अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हम इस इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो सॉल्यूशन होगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इस इन इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपका माइनस टू होल टू बाई थ्री, तो सिंपल फॉर्म में जब इसको हम है ना कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो थ्री टू जा सिक्स और सिक्स टू एट, तो ये हो जाएगा माइनस एट बाई थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई थ्री, और ये आपका लेस देन, ये थ्री होल वन बाई थ्री है तो थ्री थ्री जा नाइन, ये हो जाएगा टेन बाई थ्री, और यहाँ पे भी एक्स की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर लेनी है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ थ्री है ना, तो हम ऐसा करते हैं माइनस वन थ्री दोनों साइड ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये प्लस वन बाई थ्री हट जाए यहाँ से। तो देखिए माइनस एट बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई थ्री, यहाँ भी हमने किया माइनस, देखिए यहाँ पे हमने किया था माइनस वन बाई थ्री, यहाँ पे भी इस टर्म में भी किया माइनस वन बाई थ्री लेस देन टेन बाई थ्री, यहाँ पे भी किया माइनस वन बाई थ्री, है ना। इन इक्वेशन में आप सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए हाँ, नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब ये आपका जो माइनस एट बाई थ्री है और ये माइनस वन बाई थ्री, ये हो जाएगा माइनस नाइन बाई थ्री। ठीक है, माइनस एट माइनस वन माइनस नाइन बाई थ्री लेस देन और इक्वल टू, ये प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा लेस देन, फिर यहाँ टेन में से वन गया नाइन अपॉन थ्री। ठीक है, तो देखिए थ्री थ्री जा नाइन, ये माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बहुत ही आसान है। ये आपका एक वैल्यू माइनस थ्री और ये एक वैल्यू थ्री, बीच में यहाँ कहीं जीरो होगा। तो देखिए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री है, यानी माइनस थ्री को हमने इंक्लूड करना है। ठीक, उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू होगी लेकिन लेस देन क्या होगी, थ्री होगी, तो थ्री को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन सर्किल, और ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये सब आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन को डार्क कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।